नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इनकम डिटर्मिनेशन, जो नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन की जाती है इकोनॉमी में, कैसे एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है, इन सबको हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। देखिए, एग्रीगेट डिमांड, देयर आर थ्री डिमांड्स, दैट इज डिमांड मीन्स इंडिविजुअल डिमांड, देन मार्केट डिमांड, देन मार्केट डिमांड एंड देन एग्रीगेट डिमांड। देयर आर थ्री डिमांड्स। इन तीनों डिमांड के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। इंडिविजुअल डिमांड वन कमोडिटी बाय वन पर्सन, एक पर्सन के द्वारा एक कमोडिटी की किसी प्राइस पर कितनी यूनिट डिमांड की जा रही, दैट इज डिमांड। वन कमोडिटी बाय ऑल पर्सन्स मीन्स ऑल सेक्टर्स भी आप लिख सकते हो इसको, ऑल सेक्टर्स भी लिख सकते हो। सेक्टर्स मीन्स चाहे वो जो है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो, चाहे वो जो है कोई सी भी डिमांड हो, ठीक है। और जो एग्रीगेट डिमांड है, ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज, इसको सर्विसेज भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी सर्विसेज आप लिख सकते हैं, बाय ऑल पीपल ऑल सेक्टर्स। तो एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड, इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मार्केट डिमांड किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए चीनी है, शुगर है, शुगर की डिमांड किसी पर्टिकुलर प्राइस पर एक अकेले पर्सन के द्वारा कितनी की जा रही है, मान लीजिए 10 रुपये पे कितना हो रहा है, 20 रुपये किलो है तो कितना हो रहा है, 50 रुपये किलो है तो कितना हो रहा है, सॉरी। मार्केट डिमांड मीन्स 50 रुपये पर सारे कस्टमर्स के द्वारा शुगर की कितनी डिमांड है, 20 रुपये पर सारे कस्टमर के द्वारा शुगर की कितनी डिमांड है, 10 रुपये पर सारे कस्टमर मिलकर शुगर की कितनी डिमांड करते हैं। एग्रीगेट डिमांड मीन्स नॉट ओनली शुगर प्लस पल्सेज प्लस राइस प्लस व्हीट प्लस वेजिटेबल्स प्लस मिल्क प्लस अदर थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, आइदर इट इज़ मशीनरी और इट इज कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, जो कुछ भी है, उन सब चीज़ों की डिमांड सबके द्वारा कितनी की जा रही है, वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड के अगर हम सिंपली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जो एग्रीगेट डिमांड होता है, एडी जो होता है, ये होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मीन्स डेट इज कंजम्पशन डिमांड, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट डिमांड, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दैट इज नेट एक्सपोर्ट, या आप फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फोर सेक्टर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, सेक्टर वन, सेक्टर टू, सेक्टर थ्री, सेक्टर फोर, ये फोर सेक्टर हैं। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो ओनली टू सेक्टर का पढ़ना है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो टू सेक्टर मीन्स दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड दैट इज फर्म सेक्टर, ठीक है। देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ दो सेक्टर हैं इकोनॉमी में, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है फर्म सेक्टर। तो हम जो एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करेंगे, वो हम सिंपली फाइंड आउट करेंगे सी प्लस आई, मीन्स एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो अब इसके बाद से जितना भी डिस्क्रिप्शन हम लेंगे, वो सब हम सिंपली सी प्लस आई पर लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है, ना तो कहीं कोई गवर्नमेंट है और ना ही कहीं कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी इंडिया की ये जो एग्रीगेट डिमांड की हम बात कर रहे हैं, इसमें ना तो किसी तरीके की फॉरेन की डिमांड ऐड है और ना ही किसी तरीके की गवर्नमेंट की डिमांड ऐड है। गॉट इट, ठीक है, ओके। सो एग्रीगेट डिमांड में आपने देखा सी और आई, सी मीन्स कंजम्पशन डिमांड, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर हम सिंपली आई की बात करें, सी की बात हम बाद में करेंगे, अगर हम आई की बात करें तो आई जो है ये है इन्वेस्टमेंट डिमांड, और इस पूरे एक्सप्लेनेशन में ये एज्यूम कर लिया गया है, एक एजम्पशन है इसका, कि इन्वेस्टमेंट डिमांड इज कांस्टेंट,
देयर इज नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम. इनकम इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम. आपकी आय बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, आपकी इनकम कम होगी तो आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे. लेकिन यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज जो है कॉन्स्टेंट, देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम. अच्छा, ये पूरा जितना भी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं ये पूरा एग्रीगेट के बारे में पढ़ रहे हैं. अगर मैं कभी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को लेकर के एग्जाम्पल दूँ तो आप उसको ये नहीं समझेंगे कि एक व्यक्ति की ये डिमांड है या एक व्यक्ति का ये कंजम्पशन है. कंजम्पशन की जब हम बात करेंगे तो एक पर्सन का कंजम्पशन नहीं है, इट इज़ रिलेटेड विद ऑल. नेशनल इनकम कितना है उसका कितना पोर्शन कंज्यूम किया जा रहा है, नेशनल इनकम कितना है उसका कितना परसेंट सेव किया जा रहा है. ठीक है, तो नेशनल की बात कर रहे हैं हम. आपको हो सकता है समझाने के लिए कहीं कहीं पर एक पर्टिकुलर बोल दें कि भाई आप ये मान लीजिए कि आप अपनी इनकम का कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये पूरा हम किससे पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट पे पढ़ रहे हैं. तो एग्रीगेट में हम ये मान लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ कॉन्स्टेंट, देर इज नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट विद द चेंज इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम बढ़ेगी या घटेगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा. और जब इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट रहेगा, इधर हम अगर NI दिखाते हैं, नेशनल इनकम दिखाते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा एंड इट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ये कैसा इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है. दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द चेंज इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम घटेगी, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द सी. देन द नेक्स्ट इज सी. कंजम्पशन. कंजम्पशन जो होता है इसमें ये माना जाता है कि ये जो कंजम्पशन कर्व है ये ऐसा होता है. कैसा? ये दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन. स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन. तो इसका जो इंपॉर्टेंट है ये यहां हम दिखाएंगे कंजम्पशन. क्या दिखाएंगे इधर इस एक्सिस पर? कंजम्पशन. इधर हम दिखाएंगे हाँ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. तीनों इधर दिखाते हैं, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट. लेकिन हम कंजम्पशन के टर्म में ले रहे हैं तो हम सिंपली ये देखेंगे कि जब जब इनकम बढ़ेगी, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इनकम राइजेस, देन कंजम्पशन आल्सो राइजेस. ठीक है ना? ये दिख रहा है कि जब इनकम यहां पर बढ़ेगी या इनकम घटेगी तो ऐसी सिचुएशन में कंजम्पशन आपका बढ़ेगा और कंजम्पशन भी आपका घटेगा. मीन्स कंजम्पशन इज डायरेक्टली सी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई. वी कैन से दैट ना, सी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई. कंजम्पशन जो है वो इनकम का फंक्शन है. इनकम के बढ़ने और घटने पर देर इज अ चेंज इन इनकम दैट विल लीड टू चेंज इन कंजम्पशन. इनकम बढ़ेगी एंड देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन बिकॉज दैट कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. इट शोज दैट इज देर इज एनी इंक्रीज इन इनकम दैट विल लीड टू इंक्रीज इन कंजम्पशन. और अगर इनकम घटेगी तो कंजम्पशन भी घटेगा. गुड, तो कंजम्पशन कर्व ये है. अब इस कंजम्पशन कर्व को ऐसे क्यों बनाया जाता है, व्हाई इट इज स्टार्टेड फ्रॉम अबव द ओरिजिन, व्हाई इट इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, इसका रीजन आपको जानना जरूरी है. ठीक है? ओके, दिस कंजम्पशन इज नोन एन ऑटोनोमस कंजम्पशन. द कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन. दिस इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन. व्हाई इट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? बिकॉज इट इज फॉर सर्वाइवल ऑफ द पर्सन. ठीक है ना? जितने इकोनॉमी में ऐसे लोग जो हैं, दोज हु आर नॉट अर्निंग, ऐसे लोग जो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, लाइक यू पीपल, आप लोग जो है कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, बट आप लोग क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी एसेसरीज परचेज कर रहे हैं. तो ये क्या है? दिस इज कंजम्पशन, दिस इज डिमांड, कंजम्पशन डिमांड. विदाउट इनकम, आपके पास कोई इनकम नहीं है. आपको आपके पापा ने 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, 1000 रुपए, 2000 रुपए दिए. दैट इज प्योरली ट्रांसफर इनकम. दैट इज ट्रांसफर इनकम ना भाई. मान लिया मैंने अर्न किया इनकम, मैंने पैसा कमाया और मैंने उसमें से अपनी सिस्टर को 2000 रुपए दिए और सिस्टर ने उस 2000 रुपए से कुछ कंज्यूम किया. ठीक है? तो उसको जो 2000 रुपए मिले, दैट इज नॉट फैक्टर इनकम.
वो क्या है, वो ट्रांसफर इनकम है। और नेशनल इनकम में हम किसको ऐड करते हैं, केवल फैक्टर इनकम को। तो वो इनकम अर्न मैंने की, वो जो कंज्यूम कर रही है वो कैसे कंज्यूम कर रही है, उसका वो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाएगा एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो ऐसे जो इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जो कंजम्पशन है वो कुछ ना कुछ होता है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन उनकी इनकम जीरो होती है, तो उसको हम मानते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल ए। कहीं कहीं पर इसको सी बार भी लिखते हैं, छोटा सी ऐसा बना करके और उसके ऊपर ऐसा बार लगा कर भी लिखते हैं, तो आप दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने के साथ आपका कंजम्पशन भी बढ़ना शुरू करेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रिप्रेजेंटिंग दैट कि इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन इनकम दैट विल लीड टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। ये सिंपली अपवर्ड स्लोपिंग कोई भी कर्व होगा, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कीन्स रिगार्डिंग टू कंजम्पशन। लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है, लोगों का जो कंजम्पशन है वो किस तरीके से चेंज होता है, उस पर कीन्स ने एक लॉ बनाया। कीन्स ने ये कहा, जो कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ है उनका ये कहना है कि देयर इज एन कंजम्पशन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जो जीरो लेवल ऑफ इनकम है, नेशनल इनकम जो है, यहाँ पर भी क्या होता है, मिनिमम कंजम्पशन होता है, दैट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तीन पॉइंट आते हैं इसके, थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो तीन पॉइंट आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि देयर इज अ मिनिमम कंजम्पशन फॉर सर्वाइवल एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, दैट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेकेंड इज कि एज इनकम राइजेस कंजम्पशन आल्सो राइजेस, दो पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट कि जो राइज इन इनकम है, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन रेट ऑफ कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन। यानी जैसे मान लीजिए कि आपको आपकी इनकम 100 रुपये, सपोज करिए यहाँ से आप आगे बढ़े और कोई इस सिचुएशन पे आ गए, आपकी इनकम 100 रुपये थी, इसमें से आप 80 रुपये खर्च कर रहे थे, अब आपकी इनकम जब 100 रुपये और बढ़ी, यानी अब आपकी इनकम कितनी हो गई, 200 रुपये, तो आपका कंजम्पशन जो होगा वो केवल 150 रुपये होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम बढ़ने की जो रेट है उसके कंपेरिजन में आपका कंजम्पशन कम बढ़ा। इसी तरीके से आपकी इनकम 300 हो गई तो आपका जो कंजम्पशन है वो 210 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर फिर आपका ये जो इनकम बढ़ने की रेट है उसके कंपैरिजन में जो कंजम्पशन है वो कम बढ़ा। ऐसा क्यों होता है कि लगातार इनकम बढ़ने से जो कंजम्पशन है वो लगातार घटता जाता है, मीन्स कंजम्पशन का रेट कम होता जाता है, बिकॉज ऑफ नो, कीन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ तो दिया उसके पैटर्न पे, ये इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होती जाती हैं। तो जब हमारी नीड्स जो है, जो हमारी नीड्स, जो हमारी वांट्स हैं, वो वांट्स जैसे जैसे हमारी सेटिस्फाई, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा कि जो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्स लिमिटेड। तो जब हमारे पास इनकम बढ़ती है तो सबसे पहले हम अपनी उन वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पाई हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, वांट सेटिस्फाई होती जाती है, तो हमारा हर बार बढ़ी हुई इनकम का हम ज़्यादा पार्ट सेव करने लगते हैं और कम पार्ट हम खर्च करने लगते हैं। तो ये कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ है कि ये कहता है कि जब किसी की इनकम बढ़ती है, तीन पॉइंट आएंगे जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन करता है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेकंड पॉइंट इज दैट कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और थर्ड पॉइंट इज दैट कि जब इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने की जो रेट होगी उसके कंपेरिजन में कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए ये जो कर्व होता है ये स्लोवली अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन विल राइज, टोटल कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन जो चेंज है चेंज के कंपैरिजन में कम बढ़े। जैसे हमने यहाँ बताया ना कि टोटल कंजम्पशन आप देखिए 80 से 150 हुआ, फिर 210 हुआ, तो टोटल कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, लेकिन इनके बढ़ने की जो रेट है वो लगातार क्या हो रही, घटती जा रही। पहले 70 बढ़ा, फिर 60 बढ़ा, फिर आगे 50 बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो MPC जो है वो घटती जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कंजम्पशन कर्व है। तो जब हम कंजम्पशन कर्व, अच्छा, जो आपकी जो डिमांड है दैट इज AD इज इक्वल्स टू क्या लिखा आपने, C+I, और ये आपका क्या है, ये आपका आई है, आई
बोलना। कहीं सर मुझे आवाज नहीं आ जाना, रही। सर आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही सर। नहीं फिर आ तो आप रही डिसाइड करना। क्या? हेलो, केवीसीपी आगे केवी पचमढ़ी आ रही है अब? ओके सर। ओके ओके, गुड। माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो आई है, आई इज कॉन्स्टेंट विद द लेवल, इट विल नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ इनकम, इनकम नेशनल इनकम। सी जो है वो चेंज होगा, और जब सी और आई को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा एग्रीगेट कर्व मिलेगा। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, और इस तरीके से आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है ना? तो ये है आपका टोटल एग्रीगेट डिमांड।